नमस्कार सभी को और सुप्रभात। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम 22 अक्टूबर का करंट अफेयर्स, और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे जो कुछ भी हमारे कल घटा और उसमें से हमारे एग्जाम के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स वीडियो मिलता है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिए @AmanTrivedi, आपको वहां पे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और वहां से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करना है, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा @AmanTrivedi। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, पुलिस कमेमोरेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। ये हम लोग विच डेट ये हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, तो एक बार इसी को रिवाइज कर लेते हैं। अक्टूबर 21 को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। बाकी सारे डेज मैंने लिख रखे हैं, 10 अक्टूबर मेंटल हेल्थ डे, 11 इंटरनेशनल डे गर्ल्स डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, 12 वर्ल्ड ऑथोराइटिस डे, 13 है आपका वर्ल्ड कैलेमिटी कंट्रोल डे, 14 ई वेस्ट डे और वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, 15 को हमारा ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, इंडियन रूरल डे ऑफ रूरल वुमेन, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, 16 को वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे, वर्ल्ड स्पाइन डे, और साथ ही साथ 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पावर्टी इरेडिकेशन, और 20th को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, और हमारा 21 अक्टूबर को वर्ल्ड पुलिस कमेमोरेशन डे होता है। यह दिवस चीन के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले 10 पुलिसकर्मियों के बलिदान को याद करता है। अगला सवाल है, विच नेशन हैज टॉप्ड ए फीफा मेंस रैंकिंग। फीफा पुरुषों की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है, फीफा मेंस रैंकिंग में कौन से देश ने टॉप किया है, कौन सा देश शीर्ष पे है। ऑप्शन है ब्राजील, अर्जेंटीना, स्पेन या फिर बेल्जियम। तो जवाब है इसका बेल्जियम। बेल्जियम ने इसने इस रैंकिंग में टॉप किया है, और फीफा मेंस रैंकिंग्स अक्टूबर 21 रिलीज हो गई हैं। बेल्जियम की रैंक टॉप रही है, ब्राजील सेकंड रैंक पे रहा है। तो बेल्जियम की रैंक नंबर 1 है, ब्राजील नंबर 2 पे है, फ्रांस थर्ड पे है, इटली फोर्थ पे है, इंग्लैंड 5th पे है, 6th पे अर्जेंटीना, 7th स्पेन, 8th पोर्तुगल और 9th मैक्सिको एंड 10th पे डेनमार्क है। ठीक है, तो इंडिया की रैंक रही है 106, इंडिया की रैंक 106 है आपके टोटल 1182.75 पॉइंट्स के साथ में। इंडिया ऊपर आई है इस लिस्ट में जरूर। सेनेगल विच इज रैंक्ड एट द 20th पोजीशन इज द बेस्ट रैंक्ड अफ्रीकन नेशन इन द लेटेस्ट फीफा मेंस रैंकिंग लिस्ट, इट्स अ नेशन। ईरान इज द हाईएस्ट रैंक्ड एशियन नेशन इन द फीफा मेंस रैंकिंग, दैट इज 22nd, 22वें नंबर पे रहा है ईरान, और ये हाईएस्ट रैंक्ड एशियन नेशन है। 2022 फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कतर, यानी 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, कतर में होने वाला है। द 2019 एशियन कप चैंपियनशिप इज रैंक्ड एट द 46th चैंपियनशिप, यानी कि 2019 का एशियन कप चैंपियन रहा है कतर और इसकी रैंक है 46th। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो है वो शेड्यूल है आपका नवंबर 21 से दिसंबर 18 के बीच में 2022 में। द वर्ल्ड कप विल बी द फर्स्ट वन टू बी हेल्ड इन द अरब वर्ल्ड, वहां पे पहली बार होगा ये। द सेकंड टू बी हेल्ड एंटायरली इन एशिया आफ्टर 2002 वर्ल्ड कप होस्टेड बाय जापान एंड साउथ कोरिया। 2002 का वर्ल्ड कप जापान और साउथ कोरिया ने होस्ट किया था, तो एशिया में दूसरी बार और अरब वर्ल्ड में पहली बार होगा। 2022 वर्ल्ड कप विल बी द लास्ट वन टू इन्वॉल्व 32 टीम्स, इसमें आखिरी बार 32 टीमें हिस्सा लेंगी। एज फ्रॉम नेक्स्ट टाइम 48 टीम्स विल बी कम्पीटिंग, तो अगली बार से 48 टीमें हिस्सा लेने लगेंगी। फ्रांस आर द करंट वर्ल्ड कप चैंपियंस आफ्टर दे डिफीटेड क्रोएशिया बाय 4-2 इन द फाइनल्स टू क्लेम देयर सेकंड वर्ल्ड कप। तो फ्रांस जो है वो इस समय करंट वर्ल्ड कप चैंपियन रहा है। यहाँ पे आपकी इसी बात को हिंदी में लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला है, हु हैज बीन अवार्डेड साखारोव प्राइज 2021। साखारोव पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है एलेक्से नेवेलनी, नजला बूदान, जोनसगार, फूमियो किशिडा। तो जवाब है आपका एलेक्सा नेवेलनी। एलेक्सा नेवेलनी ये रशियन लॉयर हैं, रशियन एक्टिविस्ट हैं, इन्हें इसके ये प्राइज मिला है। नजला बूडान ये पीएम है ट्यूनिशिया की, और ट्यूनिस और ट्यूनिशियन दिनार ट्यूनिशिया की कैपिटल है। जोनस गार्ड नॉर्वे के पीएम है, ओस्लो वहाँ की कैपिटल है और क्रोन वहाँ की करेंसी है। फूमियो किशिडा पीएम है जापान के और टोक्यो वहाँ की राजधानी है, ये वहाँ की करेंसी है। मानवाधिकारों के लिए यूरोपीय संघ का सर्वोच्च पुरस्कार विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार कैदी रूस विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी को दिया गया है। इन्हें इस पुरस्कार के लिए अफगान महिलाओं और बोलीवियाई राजनीतिक नेता जीनी नेस के साथ
नामांकित किया गया था। इवो मोरालोस द्वारा कथित चुनावी धोखाधड़ी के बाद उन्होंने 2019 में राष्ट्र के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो यूरोपियन यूनियन का ये हाईएस्ट ह्यूमन राइट्स के लिए अवार्ड है और ये मिला है साखारोव को। रशियन एक्टिविस्ट हैं ये और रशियन लॉयर भी हैं और इस समय ये फिलहाल जेल में है। हु हैज़ द फर्स्ट ब्लैक यूएस सेक्रेटरी ऑफ यूएस, तो पहला अमेरिकी पहले अश्वेत अमेरिकी सचिव कौन थे? तो बराक ओबामा, कॉलिन पॉवेल, कॉन्डोलेजा राइस या फिर कमला हैरिस? तो जवाब है आपका इसमें कॉलिन पॉवेल। कॉलिन पॉवेल जो हैं फर्स्ट यूएस ब्लैक सेक्रेटरी थे, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। बराक ओबामा पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे यूएस के और कॉन्डोलेजा राइस फर्स्ट ब्लैक वुमेन सेक्रेटरी थी यूएस की और कमला हैरिस फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हैं। वहाँ यूएस में अभी तक प्रेसिडेंट वुमेन नहीं हो पाई हैं, ठीक है। तो कॉलिन पॉवेल फर्स्ट ब्लैक यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पासेस अवे, इनकी मृत्यु हुई है हाल ही में। कॉलिन पॉवेल अग्रणी सैनिक और राजनयिक थे, इज अ ट्रेल ब्लेजिंग सोल्जर एंड डिप्लोमैट हुज स्टर्लिंग रेपुटेशन ऑफ सर्विस टू रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट्स वॉज स्टेन्ड बाई हिज फॉल्टी क्लेम्स टू जस्टिफाई 2003 यूएस वॉर इन इराक। डाइड ऑफ कोविड 19 कॉम्प्लिकेशन, ही वॉज 84। ही इंस्टेड ज्वाइंट प्रेसिडेंट जॉर्ज W. Bush administration in 2001 as Secretary of State. He was the first black person to represent US government on the world stage. अगला है 2021 BNP Paribas Open Tennis Tournament पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कैमरोन नॉरी, पॉला बडोसा, एलिस मार्टिन्स, जॉन स्पियर्स। तो किसने, who has won the BNP Paribas Open Tennis Tournament? तो परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब कैमरोन नॉरी ने जीता है। 2021 का बीएनपी परिबास ओपन जो है ये हुआ है इंडियन वेल्स में, ये भारत में नहीं है, भारत से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ नाम है इंडियन वेल्स। 2021 बीएनपी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है ऑल्सो नोन एज द 2021 इंडियन वेल्स मास्टर्स वॉज हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 4 टू 18 एट इंडियन वेल्स कैलिफोर्निया यूएस, तो यूएस में हुआ है। दिस मार्क्स द 47th एडिशन ऑफ मेन्स बीएनपी परिबास ओपन ATP Masters and 32nd the Women's BNP Paribas Open WTA Masters. So BNP Paribas Open is the largest combined ATP Tour Masters 1000 and WTA 1000 tennis event. It is annually held at Indian Wells Tennis Garden in Indian Wells, California in the USA. तो इसके जो लिस्ट ऑफ विनर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो कैमरिन नॉरी, इन्होंने पहला अपना ATP Master जीता है मेन सिंगल्स में जीतकर। इसके अलावा पाओलो बडोसा, इन्होंने विक्टोरिया अजरेंका को हरा के वुमेन सिंगल टाइटल जीता है। इसके अलावा एलिस मार्टिन्स और सू वे हसी ने वुमेन्स डबल्स का टाइटल जीता है। इसके अलावा जॉन पियर्स और फिलिप पोलासक ने मेन्स डबल्स का टाइटल जीता है। तो ये टेनिस टूर्नामेंट है एक। चलिए अगला सवाल है, व्हाट इज एनटीएस लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई रिसेंटली? तो एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया एनटीएस क्या है? एनपीसीआई टोकनाइजेशन सिस्टम, एनपीसीएल टोकनाइजेशन सिस्टम, नेशनल टोकन सिस्टम, नेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है और ये एनपीसीआई टोकनाइजेशन सिस्टम है। अब ये टोकनाइजेशन सिस्टम क्या है थोड़ा सा इसको जानते हैं। एनपीसीआई ने कार्ड टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है एनटीएस। कार्ड टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म एक तरीके से आपके डेबिट कार्ड को डिजिटल कार्ड में बदलने के एक तरीके की सुविधा है, जो कि आरबीआई ने अभी हाल में बोला था, रुपए कार्ड में ऐसी सुविधा नहीं थी इसलिए उन्होंने बोला था कि ये चीज की जाए। तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई टोकनाइजेशन सिस्टम लॉन्च किया है, जिसे एनटीएस कहा जा रहा है, टू फर्दर इनहेंस द सेफ्टी ऑफ कस्टमर्स एंड प्रोवाइड अ सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस टू कंज्यूमर्स। The NPCI tokenization system will support the tokenization of rupee cards to provide an alternate of storing card details with merchants. तो एक तरीके से डिजिटल ट्रांजेक्शन करने में काफी मदद मिलेगी इसके रुपए कार्ड्स की मदद से। कई बार रुपए की मदद से कई सारे ट्रांजेक्शन नहीं हो पाते थे। तो NPCI token reference on file service will help rupee card holders to maintain the security of their financial data with NTS, acquiring banks, aggregators, merchants and others can get themselves certified by NPCI and can play the role of token requesters to help save token reference number against all cards number saved. So National Payments Corporation of India ke MD aur CEO hain Dilip Azbe. National Payments Corporation of India ka headquarter hai Mumbai mein aur National Payments Corporation of India bani thi 2008 mein. Chaliye, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड?
तो जीआर चिंतला, अमित रस्तोगी, सहदेव यादव या फिर नवरंग सैनी? तो इसका जवाब है आपका जीआर चिंतला। जीआर चिंतला को चेयरपर्सन बनाया गया है नबार्ड का। ये हैं ऑलरेडी, हमने बात नबार्ड की क्यों है वो अगले स्लाइड में आपको पता लगेगा। अमित रस्तोगी हमने पढ़ा था एनआरडीसी के प्रेसिडेंट बने हैं। सहदेव यादव जो है वेटलिफ्टिंग, नेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने हैं। और नवरंग सैनी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं। नाबार्ड ने, नाबार्ड का नब संरक्षण नाम से एक सब्सिडरी है इनकी, जिसके तहत 1,000 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना की है। नाबार्ड ने रुपए के सृजन की घोषणा की है, 1,000 करोड़ रुपए के सृजन की घोषणा की है। एफपीओ के लिए 1,000 करोड़ क्रेडिट गारंटी फंड, एफपीओ के को क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए समर्पित फंड, फंड को नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनबीए संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड को ट्रस्टीशिप के तहत लॉन्च किया गया। नाबार्ड के अध्यक्ष हैं जीआर चिंताला, की स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 में। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई और हमारे कृषि मंत्री इस समय है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। अगला है हु हैज बिकम न्यू चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। जो आपको म्यूचुअल फंड के एड्स दिखते हैं वो सारे एमफी की तरफ से आते हैं, AMFI, तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इसके चेयरपर्सन कौन बने हैं? जीआर चिंतला, अमित रस्तोगी, सहदेव यादव या फिर ए बाला सुब्रमण्यन। तो जीआर चिंतला नाबार्ड की चेयरपर्सन हो गई, अमित रस्तोगी एनआरडीसी के प्रेसिडेंट हो गए, सहदेव यादव नेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट हो गए, ए बाला सुब्रमण्यम जो हैं आपके एमफी के चेयरपर्सन बने हैं। ए बाला सुब्रमण्यम बने एमफी के नए अध्यक्ष। एमफी मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। बाला सुब्रमण्यम को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह कोटक म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक नीलेश शाह की जगह लेंगे, ठीक है, यानी कि इसके पहले कौन है? नीलेश शाह। बाला सुब्रमण्यम आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट की मुख्य के सीईओ कौन हैं? बाला सुब्रमण्यम। इसी बीच एडलवाइज एएमसी की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता को एमफी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की स्थापना की गई 22 अगस्त 1995 में। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। इसके अलावा कुछ एक दो फैक्ट हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। हवाई अड्डे का निर्माण लगभग 260 करोड़ रुपए की लागत से आया है भारतीय विमानपत्तन द्वारा। इसके अलावा इसका उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा रनवे है। यह कुशीनगर में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल की यात्रा करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों को सुविधा प्रदान करेगा। कुशीनगर गौतम बुद्ध का अंतिम विश्राम स्थल है, यहीं पर उन्होंने महापरिनिर्वाण हुआ, यानी कि यहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी, जहां उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण किया था। हवाई अड्डे के बौद्ध सर्किट पर पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान कोलंबो श्रीलंका से उत्तरी, जिसमें 100 से अधिक बौद्ध भिक्षुओं तथा गणमान्य व्यक्तियों का श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल था। अब उत्तर प्रदेश में यात्री उड़ानों को संभालने वाले हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। इसके अलावा कुछ और आपके फैक्ट्स हैं, जैसे इंडिया इजराइल यूएई भारत इजराइल संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका ने चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया है। तो एक क्वाड नेशन क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम बनाने का निर्णय लिया है। भारत इजराइल संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक नया क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम बनाने का निर्णय लिया है। ये क्वाड्रिलेटरल पिछले साल अब्राहम समझौते के बाद यूएस इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच चल रहे सहयोग पर आधारित है। इस क्वाड ग्रुपिंग ने आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच स्थापित करने का फैसला किया था और मध्य पूर्व और एशिया में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग का विस्तार करने वाली संयुक्त बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की संभावनाओं पर चर्चा की थी। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल और यूएई ने भविष्य के आर्थिक सहयोग के लिए एक मंच बनाने और परिवहन प्रौद्योगिकी समुद्री रक्षा सुरक्षा अर्थशास्त्र व्यापार के साथ साथ अतिरिक्त संयुक्त परियोजनाओं के क्षेत्र में संयुक्त बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की संभावनाओं का पता लगाने का फैसला किया है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और प्रेसिडेंट हैं इस समय इजाक हर्जोग। करेंसी है इजरायली शेकल। यूनाइटेड अरब अमीरेट्स की राजधानी है अबू धाबी। ध्यान रखिएगा दुबई राजधानी नहीं है, राजधानी अबू धाबी है। प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहन। करेंसी है दिरहम। और यूनाइटेड स्टेट्स की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और करेंसी है यूएस डॉलर और प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन। हु इज द ऑथर ऑफ स्टार्स इन माई स्काई नामक किताब की लेखक कौन है?
सैफी किदवई, गुलजार, दिव्या दत्ता या अमिताभ घोष? तो सैफी किदवई की कल हमने किताब पढ़ी थी, सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन है। गुलजार की हमने कल पढ़ी थी, एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर है। दिव्या दत्ता की किताब का नाम है स्टार्स इन माई स्काई और अमिताभ घोष की किताब है द नेटवर्क स्कर्स। तो दिव्या दत्ता ने किताब लिखी है, दिव्या नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस दिव्या दत्ता हैज कम अप विद हर सेकंड बुक टाइटल स्टार्स इन माई स्काई, दोज हू ब्राइटन्ड माई फिल्म जर्नी। ठीक है, तो इसमें उन्होंने उनके बारे में लिखा है, उन स्टार्स के बारे में लिखा है जिन्होंने उनकी फिल्म जर्नी को ब्राइटन किया। द बुक पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया विल बी रिलीज्ड ऑन अक्टूबर 25। इन हर न्यू बुक दिव्या दत्ता शेयर्स हर एक्सपीरियंसेस विद सम ऑफ द स्टॉलवर्ट्स ऑफ बॉलीवुड हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन हर फिल्म करियर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इक्वाडोर? इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्यूटो, लीमा, बोगोटा या फिर कारकास? तो जवाब है इसका क्यूटो। क्यूटो इक्वाडोर की राजधानी है और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं गुलिमेरो लासो, करेंसी है यूएस डॉलर। इसके अलावा पेरू जो है वो लीमा की कैपिटल है, लीमा जो है वो पेरू की कैपिटल है और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं पेड्रो कैस्टिलो और करेंसी है पेन। बोगोटा जो है वो कोलंबिया की राजधानी है, प्रेसिडेंट है इवान ड्यूक मार्केस और करेंसी है कोलंबियन पेसो। और कैरकास की राजधानी, कैरकास जो है वो वेनेजुएला की राजधानी है, प्रेसिडेंट है निकोलस माड्यूरो और करेंसी है बोलिवर डिजिटल। ठीक है, तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके इक्वाडोर में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित हुई है ओवर क्राइम वेव। तो इक्वाडोर के जो राष्ट्रपति हैं गिलर्मो लासो ने हिंसक ड्रग अपराधों में वृद्धि के कारण दक्षिण अमेरिकी देश में 60 दिन के आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति लासो ने मादक पदार्थों की तस्करी और खपत की हत्याओं, घरेलू चोरी, वाहनों और सामानों की चोरी, बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है जिसकी वजह से उन्होंने इमरजेंसी घोषित की है। तो अब ये देख लेते हैं जरा वर्ल्ड मैप पे कहाँ पे है इक्वाडोर। तो अगर आप अमेरिका का मैप देखेंगे तो साउथ अमेरिका में आपको ये मैप दिखेगा, जो सबसे बड़ा नेशन है वहाँ पे वो ब्राज़ील है। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है पेरू, पेरू की राजधानी हो गई लीमा। ठीक है, इसके अलावा इक्वाडोर ये हमारा है और इसकी राजधानी हो गई क्यूटो। पेरू, इसके बाद हो गया इक्वाडोर, राजधानी क्यूटो, उसके बगल में है कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा और कोलंबिया के जस्ट बगल में है वेनेजुएला, वेनेजुएला की राजधानी है कारकास। ठीक है, इसके अलावा गुयाना है इसके बगल में जिसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन और उसके बगल में सुरीनेम है जिसकी राजधानी है पारामिम्बो और उसके अलावा फ्रेंच गुयाना है यहाँ पे। इसके अलावा आपने पनामा पेपर्स का काफ़ी नाम सुना होगा, तो पनामा पेपर्स जो है, पनामा एक तरीके से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ रहा है, बीच में लिंक है, तो यही है पनामा और यहीं पे पनामा सिटी इसकी राजधानी है। ठीक है, अगर आप में से किसी ने फिल्म दे एक प्रिजन ब्रेक करके एक वेब सीरीज है, शायद हॉटस्टार पे है, तो अगर आप में से किसी ने देखी होगी तो वो काफ़ी इन सारे नेशंस से वाकिफ होगा। उसमें जो अपराधी होते हैं वो अक्सर पनामा भाग जाते हैं और नीचे के देशों में इक्वाडोर भी आते हैं, तो साउथ अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा क्राइम वगैरह होता है। ठीक है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 101st, 40th, 71st या फिर 100th? तो भारत का वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 71वां स्थान है, 101 रैंक हंगर इंडेक्स में है, 40th रैंक पेंशन वाले रैंक में है और 71st रैंक है आपकी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। तो इंडिया की रैंक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में है 71st। ठीक है, भारत की रैंक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में 71st है। भारत ने 113 देशों की सूची में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में 71वां स्थान हासिल किया। ग्लोबल फूड इंडेक्स में फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है या कॉर्वेटा अर्गिसाइंस द्वारा प्रायोजित है। जीएफएस इंडेक्स 2021 पर भारत का कुल स्कोर 57.2 है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 113 देशों के में 57.2 अंकों के समग्र स्कोर के साथ 71वां स्थान हासिल किया। पाकिस्तान का है 75th, श्रीलंका है 77वें स्थान पे, नेपाल है 79वें स्थान पे, बांग्लादेश है 84वें स्थान पे से बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन देश चीन जिसकी रैंक 34वीं स्थान है उससे काफ़ी पीछे हैं हम। हालांकि पिछले 10 वर्षों में समग्र खाद्य सुरक्षा स्कोर में भारत का वृद्धिशील लाभ पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से पीछे था। तो और ग्लोबली अगर हम बात करें तो आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस और अमेरिका ने शीर्ष रैंक साझा की है। उनकी समग्र जीएफएस स्कोर 77.8 और 80 अंक की सीमा में था। तो आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा और जापान, फ्रांस एंड यूएस, इन लोगों ने टॉप किया है।
इसके अलावा कुछ अन्य जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं उनको हम देख लेते हैं जो इस साल जारी हुई हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 121, हंगर इंडेक्स में रही है 101, और कल हमने एक और इंडेक्स पढ़ी थी पेंशन वाली, उसमें आपकी 40th थी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग रैंक रही है 139th। इसके अलावा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की रैंक रही है 40th। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रही है 142nd। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रही है 43rd। ग्लोबल पीस इंडेक्स रही है 135th। और ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2021 रैंक रही है 20th। और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स रहा है 2nd नंबर पे। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रहा है 46th नंबर पे। इसके साथ साथ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 90th। ग्लोबल 100 इंडेक्स हमने अभी पढ़ा 141st, ठीक है। इसके अलावा कुछ और आपके फैक्ट्स हैं, जैसे आरबीआई ने 1.95 करोड़ का फाइन लगाया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पे। साथ ही साथ आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे 1 करोड़ का और वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज पे 27.78 लाख का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने 1.95 करोड़ का जो फाइन है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पे लगाया है, फेलिंग टू रिपोर्ट अ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड एंड फेलियर टू क्रेडिट द अमाउंट इन्वॉल्व इन अनऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन अमंग अदर रीजन। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वॉज पेनलाइज ऑल्सो फॉर इट्स नॉन कंप्लायंस ऑफ आरबीआई डायरेक्शन ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के सीईओ हैं बिल विंटर्स और इसका स्थापना हुई थी 1969 में लंदन में यूनाइटेड किंगडम में, तो ये यूके की बैंक है। इसके अलावा कुंग फू नंस ने यूनेस्को का मार्शल आर्ट्स एजुकेशन प्राइज जीता है। कुंग फू नन ने यूनेस्को का मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 जीता है। बौद्ध धर्म के द्रुक्पा संप्रदाय के जाने माने कुंग फू नन ने हिमालय में लैंगिक समानता की उनकी बहादुरी और वीरतापूर्ण गतिविधियों के लिए यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार जीता है। नन युवा लड़कियों को मार्शल आर्ट के माध्यम से अपना बचाव करने, आत्मविश्वास बनाने और अपने समुदाय में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाती हैं। मार्शल आर्ट शिक्षा एमए एडू की अच्छी प्रथाओं को इकट्ठा करने और बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को ने ICM युवा विकास और सगाई के लिए एंगेजमेंट इंटरनेशनल सेंटर फॉर मार्शल आर्ट्स फॉर यूथ डेवलपमेंट एंड एंगेजमेंट टू कलेक्ट एंड प्रमोट गुड प्रैक्टिसेस ऑफ मार्शल आर्ट्स एजुकेशन के लिए डेवलप किया गया है। इसके अलावा धान की पराली से बिजली पैदा करने वाला फिरोजपुर बायोमास पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या फिर मध्य प्रदेश। तो जवाब है इसका पंजाब। पंजाब में धान की पराली से बिजली पैदा करने वाला फिरोजपुर बायोमास पावर प्लांट स्थित है, ठीक है, पंजाब में ये पावर प्लांट स्थित है। अब बायोमास पावर प्लांट इन फिरोजपुर इन पंजाब इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग पैडी स्टबल, इंक्रीजिंग कंसर्न्स ओवर एयर पॉल्यूशन ड्यू टू स्टबल बर्निंग बाय फार्मर्स इन द स्टेट, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया प्रयोग है, पंजाब के फिरोजपुर में ये चीज़ चालू हुई है, ठीक है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने 250 मिलीमीटर सीर जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया किस राज्य में, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। तो जवाब है आपका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में 250 मिली सीर जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान कश्मीर में 250 मिलीमीटर सीर जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना से लगभग 10,000 लोगों के लाभ होने की उम्मीद है। यह जल जीवन मिशन के दायरे में 3 महीने के भीतर पूरा हो जाएगा। किस देश ने अफगानिस्तान पर मास्को प्रारूप संवाद की मेजबानी की है, तो मास्को फॉर्मेट डायलॉग किस देश ने होस्ट किया है, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया या उज्बेकिस्तान। तो रशिया ने किया है और रशिया ने इंडिया को भी इन्वाइट किया था इसमें, तो रशिया ने मास्को फॉर्मेट डायलॉग जो है वो होस्ट किया है। रूस ने 20 अक्टूबर 2021 को तालिबान प्रतिनिधियों के साथ अफगानिस्तान पर मॉस्को प्रारूप बैठक की मेजबानी की। भारत ने भी बैठक में शामिल हिस्सा लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है FATF की ग्रे लिस्ट में रहने वाला है। पाकिस्तान टू रिमेन ग्रे लिस्ट इन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो टेररिस्ट नेशंस हैं उनकी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रहने वाला है। ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन थर्सडे रिटेन्ड पाकिस्तान ऑन इट्स ग्रे लिस्ट ऑफ कंट्रीज। तो ग्रे लिस्ट ऑफ कंट्रीज में पाकिस्तान को उन्होंने अभी भी कहा है कि वो रहेगा अभी कुछ दिनों तक। इन अ ब्रीफिंग FATF प्रेसिडेंट मार्कस प्लेयर ने यह भी कहा कि 3 new countries टर्की, जॉर्डन और माली हैव ऑल्सो बीन एडेड टू द ग्रे लिस्ट। और उन्होंने कहा है कि टर्की, जॉर्डन और माली इन्हें भी ग्रे लिस्ट में ऐड किया जा रहा है। पाकिस्तान वॉज प्लेस्ड ऑन द ग्रे लिस्ट बाई FATF इन जून 2018, 2018 में उसे ये ऐड किया गया था। सिंस देन पाकिस्तान कंटिन्यूज टू बी इन द लिस्ट ड्यू टू इट्स फेलियर टू कम्प्लाई विद द FATF मैंडेट्स। FATF के जो गाइडलाइंस हैं उनको न पालन करने की वजह से
उसको रखा गया है. ड्यू टू इट्स प्लेसिंग ऑन द ग्रे लिस्ट इट हैज बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू गेट फाइनेंशियल एड फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. और चूंकि ये ग्रे लिस्ट में रखा गया है इसकी वजह से पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो फाइनेंशियल एड मिलती है, मदद मिलती है, वो नहीं मिल पाएगी. साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक से नहीं मिल पाएगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मदद नहीं मिलेगी, यूरोपियन यूनियन से कोई मदद नहीं मिल पाएगी. तो जो कटोरा लेकर जाते हैं इमरान खान साहब, उनको कटोरे में अभी भी कुछ नहीं मिलेगा. पाकिस्तान फर्दर नॉन कंप्लायंस विद FATF मैंडेट्स में रिजल्ट इन द कंट्री बींग प्लेस्ड ऑन द ब्लैक लिस्ट. तो अगर लगातार इसी में वो रहे ग्रे लिस्ट में, तो फिर उन्हें ब्लैक लिस्ट में भी रखा जा सकता है. हाउएवर इट हैज़ अवॉइडेड इट सो फार विद द हेल्प ऑफ चाइना, टर्की और मलेशिया. चाइना, टर्की और मलेशिया की मदद से ये अभी तक अवॉइड किया गया है. और एक मतलब आयरनिकल बात यह है कि टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर आने में मदद करेंगे, और वो खुद भी ग्रे लिस्ट में आ गए हैं. द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग पे है. FATF ऑल्सो नोन बाई इट्स फ्रेंच नेम, इसका एक फ्रेंच नेम भी है, ग्रुप डी एक्शन फाइनेंशियल, जो भी नाम है, फ्रेंच मुझे नहीं आती है, तो इसको FATF नाम से हम जानेंगे. ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1989 में बनाया गया था बाई G7 नेशंस टू डेवलप पॉलिसीज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग इन 2001. इट्स मैंडेट वॉज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड टेररिज्म फाइनेंसिंग. तो बेसिकली इसे बनाया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, बट 2001 में इसे टेरर फाइनेंसिंग के लिए में भी एक्सपेंड कर दिया गया. G7 नेशंस कौन से हैं? तो G7 नेशंस जो हैं वो हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और UK एंड यूनाइटेड स्टेट्स. इट्स मेंबर्स आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट IMF एडवांस्ड इकोनॉमीज एंड वेल्दीएस्ट लिबरल इकोनॉमिक डेमोक्रेसीज. तो IMF के मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, साथ ही साथ लिबरल डेमोक्रेसीज हैं. FATF का हेडक्वार्टर है पेरिस में. प्रेसिडेंट का नाम हमने पढ़ा था मार्कस प्लेयर. और अभी जो FATF की ब्लैक लिस्ट में कंट्रीज हैं, जिन्हें ब्लैक लिस्ट में रखा गया है, वो है ईरान और नॉर्थ कोरिया. ये दो नेशंस ब्लैक लिस्ट में हैं. बाकी ग्रे लिस्ट में काफ़ी सारे कंट्री हैं, जिसमें आपका सोमालिया या जॉर्डन और जिम्बाब्वे जैसे देश भी शामिल हैं. ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही. आशा करते हैं जितना पढ़ाया है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा. साथ ही साथ एक दो करंट अफेयर्स और थे जो मैंने शॉर्ट्स में कवर कर दिए थे, जैसे कि आपका जापान में माउंट आशो नाम का वोल्केनो इरप्ट हुआ है, जो कि क्यूशू आइलैंड पर है. तो वो करंट अफेयर था जो मैंने दिन में कवर कर दिया था. और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा. टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट सेक्शन में भी पिन है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा. तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे. थैंक यू सो मच, बाय बाय.